कन्नौज में दबंगों की दहशत से तीन बेटियां तीन दिन से घर में ही कैद हैं। कुछ दिन पहले दबंगों ने बंधक बनाकर की थी पिटाई। पहले दबंगों ने उन्हें घर से खींचकर बुरी तरह पीटा। पीड़ित बेटियों ने पुलिस से की थी शिकायत। जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उनके हौसले और बुलंद हो गए। घर से निकलने पर दबंगों ने फिर से खींचकर मारने की दी धमकी, जिसके बाद किशोरियों की मां तीनों को घर में लेकर सहमी बैठी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योगी सरकार का नारा कन्नौज के ठठिया थाना अंतर्गत ग्यादिनपुर गांव में पूरी तरह एक जुमला साबित हो रहा है। यहां की उषा देवी के तीन जवान बेटियां हैं। उनका पति और घर पर नहीं थे। तीन दिन पहले उनकी पुत्री शिवानी जब घर आ रही थी तो गांव के दबंग विनोद ने बाइक बीच सड़क से हटाने की बात पर उसके ऊपर हमला कर दिया। चीख पुकार सुन जब माँ व एक बहन उसे बचाने दौड़ी तो दबंग विनोद ने अपने साथियों के साथ तीनों को घर में खींचकर बुरी तरह मारा पीटा। पीड़िताएं घायल अवस्था में जब अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने एक आरोपी पर शांति भंग में मुकदमा दर्ज कर थाने से ही छोड़ दिया, जिसके बाद दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने फिर से तीनों माँ बेटी पर हमला करने की कोशिश की। इस बार ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें बचा लिया। दबंगों की दहशत के चलते पीड़िताएं तीन दिन से घर में ही कैद हैं। घर में कैद महिलाओं का यह परिवार चीख चीख कर सरकार से मदद की गुहार कर रहा है। क्या मामला हो गया? तो मेरी बहन कोचिंग से आ रही थी, रास्ते में बाइक खड़ी थी। बहन ने बोला बाइक एक साइड कर ले। उन लोगों ने बाइक एक साइड नहीं की, गाड़ी गलौज करने लगी। तो बहन को अंदर ले जाकर मारपीट करने लगी। हम लोग बताने कि हम लोगों को भी मारा। पुलिस उनको लेने आई और ले गए और छोड़ दिया। थोड़ी देर रखते हैं, छोड़ दिया। स्कूल नहीं, स्कूल तीन दिन हो गए, स्कूल हम लोग नहीं गए, घर के अंदर कैद हैं। जा स्कूल नहीं जाते, बोलते हैं बाहर निकलोगी जाओगी स्कूल मारेंगे। जहाँ भी कहीं भी मिलोगी वहाँ पर मारेंगे। जेल तो जाना पड़ेगा, क्या करोगे? कोई जिम्मेदारी तो मेरी नहीं स्कूल जाने की, तभी तो मैं जाऊँगी स्कूल। आप कितने दिन से स्कूल नहीं? मैं तीन दिन से स्कूल नहीं गई, घर के अंदर कैद हूँ मैं। माता जी क्या पूरा मामला है? मामला लल्ला ये आए थे, हमारी कोचिंग गई थी, वहाँ से लौट के आ रहे थे। उन लोगों ने रास्ते में गाड़ी खड़ी करके बोले कि इधर हटा लीजिए। बिटिया ने बोला कि गाड़ी को हटा लीजिए, अपनी गाड़ी को नहीं हटाई। और मेरी बिटिया को मारने लगे, मारते मारते अपने घर खींच ले गए। मेरी एक बड़ी बिटिया थी, उसको हर एक लड़की ने दिया है, दौड़ के गई। तब तक छोटी दीदी उसको भी मारा, छोटी दीदी उसको भी मारा, मैं भी गई, मेरे को भी मारने लगे। तो सब लोगों ने बताना कि तुम क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे बहुत डर गया। मैंने लिखा तो बहुत ज़बरदस्ती से जल्दी जल्दी भागे, मैं वहाँ से भाग कर गए आए। मैंने कहा कैसा है, जाइए थाने चली जाइए। तो बिटिया मेरी थाने गई, वहाँ पर थाने में सुना नहीं रहता क्या, मेरा तो दिमाग भी नहीं काम करता। आपकी पुत्री स्कूल जा रही है? नहीं जा रही है, डर के मारे नहीं जा रहे हैं। रोज शाम को 8 बजे गाड़ी देता, रोड में घूमता गाड़ी देता। मैंने मार तो लिया, मार भी और लेंगे, थाने जाएंगे तो क्या कुछ होगी नहीं। कितने लोगों ने मारा था? ये तीन लोग थे, अजय सिंह, विनोद, मान सिंह और कानो। इस तो अब क्या, अब तो फिर शाम को उनने फ़ोन कर दिया कि सुई से उनके सुई से दो लड़के आगे उनके भाई हैं, वो वहाँ रहते हैं। वे भी तो बहुत गाड़ी देते हैं, शाम को गाड़ी देते हैं, देते हैं। आज भी दिया, वो दिन दिया, कल दिया, तीन दिन हो गए बराबर भी गाड़ी देते हैं। मैं घर से बाहर नहीं निकलते, 8 बजे हो जाते हैं, लड़के बच्चे सुनते नहीं, ऐसी गाड़ी में सुन ही नहीं पाते हैं क्या बच्ची को स्कूल भेजने में। और अजय सिंह और इसलिए व्हीकल आई पकड़ ले गई, बच्चों ने 2-3 घंटा रखा और उसने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हुआ। आया डालने लगा रोड,